पहला प्यार तो वो यार? था हमारा ये मुझे नहीं मानता तो पहला प्यार था और फिर वो पहला प्यार रह गया कितनी देर रहा दोनों के बीच करियर एंड यू फिर उसके बाद मिलाप कैसे हुआ मिलाप का फाह बताएंगे आपको सो मेरी अम्मी जो थी ना एक दफा जब हम दूर हो गए ना तो मेरी अम्मी को एक गम खाने लगा एंड उसके बाद वो कहने लगी कि बस मुझे अपनी मुझे इसको ठीक करना है इसको ठीक करना है इसको ठीक करना है फिर सात साल बाद फाइनली अम्मी की एक दिन एग्जिबिशन सेवन ईयर सेवन ईयर्स लेटर अम्मी की एक दिन एग्जिबिशन थी और अम्मी ने बोला कि तुम मेरी एग्जीबिशन में आ जाओ आई वॉज लाइक कि मैं क्यों आपके एग्जीबिशन में आ जाओ कपड़ों से मेरा क्या लेना देना है कि नहीं तो मेरे बेटे तो तुम्हें आना पड़ेगा तस्वीरें खिंचेंगी लोग देखेंगे तुम आओगे मेरे लिए तुम्हें आना पड़ेगा ऐसा चलें ओके फाइन एल कम अब मुझे ये नहीं पता था कि अम्मी ने इसको भी बुलाया था ओहो अम्मी मैचमेकर बनी हुई थी और, <laughs> और और एक तस्वीर में अम्मी बीच में आई एक तरफ ये थी एक तरफ मैं था अम्मी बीच से गायब हो गई तो तस्वीर ऐसा <laughs> लगता पीछे, पीछे होती गई पीछे होती गई हम तस्वीर कहा अब मिल भी लो बात did you guys in the middle when you were not in touch anymore did you ever see him did you ever try and get in touch with him हर वक्त फेसबुक पे जाके इसकी तस्वीरें चेक करती थी मैं

कई कई बहुत हम तो बता इतना नहीं पा रहे जितना हम तो इतना फिल्मी नहीं कर रहे जितनी फिल्मी इतना तो सरवत इस कहानी लिखी जा सकती तो इतने बड़े लोगों का है जब आना है मिलना मिलना मैं वैसे एक ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो तक़रीबन forty years ऑफ देयर यू नो बचपन स्कूल में फिर

It changed. Did life change? Did you imagine a different life with him? Did you imagine a different life with her? You know, I'll tell you. When uh, we we sat uh, in a cafeteria. And we uh, thought, we coffee meeting for coffee. Let's हम आई थिंक कोई सात आठ नौ घंटे वहां बैठे रहे और हमारी बातें नहीं खत्म हुई और ऐसे नहीं, नहीं, तो नहीं लगा सारी नहीं नहीं एक्चुअली ऐसे लगा ऐसा कि थिंक कनेक्शन जब होता है ना तो ऐसे ही होता है जैसे आप कजन के साथ <laughs> भी यही, होती यही होती है बात। आप दो साल मिले तो टाइम गुजरा होता है द फनी थिंग इज कि फहद को उसकी फैमिली कह रही थी कि तुम सरवत की तरफ बढ़ो फहद कहने लगा नहीं नहीं अभी नहीं अभी वी आर वेरी डिफरेंट मेरी फैमिली को भी जब पता चला तो उन्होंने भी यही कहा कि यू नो लाइक गेटिंग एंगेज्ड और कोई बात पक्की कर लो है. मैंने कहा इतने साल गुजर गए सात साल गुजर गए हैं आई डोंट नो हाउ ही इज whether he likes me or not बट hmm. uh, वही हुआ जो होना था क्या बात है क्या बात <laughs> अच्छा अब दोनों माशाल्लाह यू गाइज हैप्पी कपल और एक दूसरे की कितनी इनपुट है एक दूसरे की खुशी में जिंदगी में सक्सेस में लाइक सरवत हैज़ डन सच ग्रेट वर्क टीवी uh, जब बहुत ज़्यादा कर रही थी तब भी वेब सीरीज़ भी करती है और अच्छा काम करती है ही इज़ डूइंग सो वेल इन ही इज़ बीन डूइंग मॉडलिंग वर्किंग एक्टिंग भी अब तो एक्टिंग से ज़्यादा क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे कहीं और छाप रहा है सर्जरी में <laughs> तो क्यों एक्टिंग <laughs> को मुँह लगाएगा वो <laughs> वो कर ही नहीं <ने> रहा <laughs> अब सर्जरी में भी माशाल्लाह ही इज़ मेड अ गुड नेम एन इज़ डूइंग सो वेल इन फैक्ट्स आई वाज़ टेलिंग हिम समी वज कॉलिंग भी फ्राम अब्रॉड टू डेज बैक एन दॉक अबाउट फाद इन दैट के वो तो बड़ा जबरदस्त है और बड़ा अच्छा उसका काम है सो so, ये दोनों की सक्सेस में एक दूसरे का कितना हाथ है बहुत ज़्यादा आई थिंक मैंने फहद से सीखा है कि अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है और कितना एलिवेट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल आपका शोहर आके कह रहा है यू लुक ब्यूटिफुल यू डिड सो वेल आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू दैट टॉट मी हाउ टू अप्रीशियट हिम बैक एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एवरी डे एसन मैं जो इनके टेस्टमोनियल जो इनके uh, सारे पेशेंट्स देते हैं एंड दे चेंज ही चेंजेस इज देयर लाइव एंड दैट इज वेरी अपलिफ्टिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल हार्ट तो मुझे इनके दिल से बहुत प्यार है वो फ्री में कर देता है लोगों की सर्जरीज हां लाइक फॉर चैरिटी भी करते हैं यू नो ऐसे पूछो ब्यूटीफुल हार्ट कि कैन यू नो सम पीपल कांट अफोर्ड इट उनकी प्रॉब्लम अच्छा, है अच्छा सीरियस मैं समझा मजाक यू कैन अफोर्ड इट so यार अभी तक तो जरूरत ही सरवत लेकिन जाहिर है जब हमें कभी वैसे मशवरा लेने तो आ ही जाएंगे कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो अच्छा, तो पचास एक साल बाद यार हाँ। किसने देखे अब एक लम्हे का नहीं मैं पता अच्छा एनीवे वे ये बताया यार कि सरवत का काम और दिन में बहुत काम करने जाना आउटडोर्स करना भी मैंने सरबत ने एक काम किया लाहौर में सर्दी mm. में बहुत ख्वार हुआ है लेकिन mm. बड़ा मजे का काम वो जब आएगा तो सब लोग देखेंगे और हार्ड वर्किंग uh, मैं कहूँगा मैं मैं इस फील्ड की लड़कियों को ना बड़ा सर, यानी हम लोग खड़े नहीं हो पाते यार ये लड़कियाँ इसने क्या स्लीवलेस सा कुछ पहना हुआ है mm. और ऊपर एक शॉप मैंने कहा यार ये कौन है जंगजू किस्म <laughs> की देखने में ही इतनी सी है सो हाउ उटोब तो करते हो यार्टेड इंडिविजुअल है इसका जहन बहुत ही ऑर्गेनाइज बहुत ही क्लीन काम करता है अनुतू चीज़ें नहीं है तो इसका जो सिस्टम है ना इसने इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि सिस्टम चलता है इसकी हर वक्त मौजूदगी की जरूरत नहीं है बच्चों के स्कूल का टाइम फिक्स है स्नैक का टाइम फिक्सड है डेट का टाइम फिक्स है छत पर जाने का टाइम फिक्स है शावर का टाइम फिक्स्ड है तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सो so अगर तो मुझे लिटरली जब ये ट्रैवल करती है मुझे कुछ नहीं करना होता है

बेटा नहीं मुझे इससे भी मारनी पड़ती तो है ऐसा मैं, मैं सुबह से रात तक होकर ऑपरेट करा हो कर रहा होता हूँ मैं थक जाता हूँ मेरे पैर में दर्द होता है रात में वापस आता हूँ ग्यारह बजे चारू प्लीज पैर दबा दो <laughs> अच्छा मैं बच्चों को सलाह के आती हूँ भाई उसके बाद तो

मला नहीं था तो मैंने ये सोचा कि क्या वाकई बीवियां शोहर का ऐसे ख्याल रखती हैं क्या ये रखना होता है आई थिंक दोनों जमाना बदल गया है नहीं I तो दोनों know. को एक दूसरे का ख्याल ही रखना चाहिए जितना मर्जी मोहब्बत हम लोगों को। मेरी भी बेगम बोली थी कि यार इट्स ये होता है आई थिंक लेकिन असल बात पता क्या है जब आपको किसी से प्यार मोहब्बत हो ना और किसी की अटेंशन चाहिए हो तो वो फिर वो जब और टेंशन हाँ. होती है ना ना उसकी तो आप हैं। हैं। तो आपको अच्छा लगता है है कि इधर इधर भाई इदर हाँ. देखो <laughs> हमें ये ये भी होता इट 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 इज़ इज़ फ्लैटरिंग या ऑफ़ कोर्स सो दैट्स दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव अगर वो डिमांड <laughs> अगर प्यार होगा तो ही तो टेंशन वरना तो इंडिफरेंट हो जाता है आदमी हां इंडिफरेंट तो बस तो कैरी नहीं करता हां तो अपना काम करो मैं अपना काम कर रहा हूं इट्स सो नाइस वो तो एक रिलेशनशिप ही नहीं हुआ ना वो तो फिर एक गुजारा हुआ फिर अगली बार मैं बोलूं ना मेरा पैर दबाओ मैं प्यार चाह रहा हूं दबाओ पैर अगली बार वो भी बोलेगी पैर दबाओ उसी का ले लो मैं आपको